गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे .com की ये बुक है कंप्यूटर के, आपके ए बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस, और ये क्लास 8 के लिए है। ठीक है, तो बुक अब अवेलेबल है। आप लोग बुक स्कूल से कांटेक्ट करके, ऑफिस से आप लोग बुक ले सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप लोग बुक ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस हम लोग को खुद तैयार करना होता है, तो जैसे कि कंटेंट्स में देखेंगे, इसमें टोटल कितना चैप्टर है, 11 चैप्टर है, और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट वर्क है। तो इस 11 चैप्टर में हम लोग को यूनिट वन के लिए कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है, 1, 2 और ये 3। ये तीनों चैप्टर जो है हम लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है, यूनिट 1। ठीक है, तो क्लास 8 स्टूडेंट के लिए है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए हम पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप लोग 7 क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हुई थी, लेकिन हम इसमें भी आपको बताते हैं और पढ़ते हैं। ये देखते हैं, व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या है। तो एक नॉर्मल वे में हम लोग नेटवर्किंग कैसे है, यानी कि नेटवर्किंग मतलब लोगों से जुड़ना। अगर ह्यूमन नेटवर्क की बात की जाए तो एक दूसरे से के कांटेक्ट में रहना, जुड़े रहना किसी न किसी थ्रू, ये क्या कहलाता है, नेटवर्क। तो इसी तरह से कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर ए पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेस। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है कि समूह होता है कनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का समूह होता है, और इनका पर्पज क्या होता है, रिसोर्सेस को शेयर करना। यानी कि जो भी संसाधन एक कंप्यूटर के पास अवेलेबल है, वो संसाधन वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सके। जैसे एक के पास प्रिंटर है, 5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, अगर एक के पास प्रिंटर है तो वो उस प्रिंटर को 5ों के साथ शेयर कर सके, वो कहलाता है आपको नेटवर्क। ये संभव किसके थ्रू है, नेटवर्क के थ्रू है। द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेस शेयर टूडे इज कनेक्शन टू द इंटरनेट। और जो सबसे कॉमन आज के डेट में रिसोर्सेस है वो क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट का कनेक्शन को शेयर करना। अदर शेयर रिसोर्सेस कैन इंक्लूड ए प्रिंटर और ए फाइल सर्वर। और बाकी जो रिसोर्सेस हो सकते हैं, वो एक फाइल सर्वर हो सकता है और एक प्रिंटर हो सकता है। द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि इंटरनेट को भी आप कंप्यूटर नेटवर्क ही कहते हैं। यानी कि इंटरनेट को आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क के तरह। ठीक है, कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, यानी कि जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे ये 5 कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये हर एक कंप्यूटर क्या कहलाएगा, नोड्स कहलाएगा। प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाएगा, नोड्स। कम्युनिकेशन लिंक्स कैन बी ए कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और जो आपस में इन लोगों का कम्युनिकेशन जो होगा वो किसके थ्रू हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, यानी वायर कॉपर का भी, कॉपर वायर हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हो सकता है। यानी इनमें से कोई सा माध्यम के थ्रू वो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दीज लिंक्स अलाउ द नेटवर्क कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर। और ये लिंक जो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स को एक साथ काम करने के लिए अलाउ करते हैं। यानी कि ये इस नेटवर्क के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू वो सभी एक साथ काम कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी ऑफ एनी साइज, वो किसी भी साइज का हो सकता है कंप्यूटर, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड
कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो किसके द्वारा कैन बी क्रिएटेड, क्रिएट किया जा सकता है, दो कंप्यूटर के द्वारा भी, यानी कि दो कंप्यूटर को भी जोड़ के, या फिर लाखों करोड़ों कंप्यूटर को भी जोड़ के एक नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है। व्हेन योर कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क, जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क का या इंटरनेट का पार्ट होता है, यूजिंग ए केबल और सम अदर कम्युनिकेशन चैनल, और वो किसके थ्रू होगा, किसी न किसी केबल के थ्रू या फिर अदर जो चैनल्स है कम्युनिकेशन के लिए उनके थ्रू, यू कैन बिकम ए नेटवर्क यूजर, और आप बन सकते हैं, इस तरह से आप क्या बन जाते हैं, नेटवर्क यूजर बन जाते हैं। यानी कि एग्जाम्पल, मतलब सिंपल टर्म में कहा जाए तो आपका कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, किसी भी माध्यम से, चाहे वायर हो या वायरलेस हो, तो आप एक नेटवर्क यूजर कहलाते हैं, ठीक है। यानी आप नेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को, नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो आप नेटवर्क यूजर हो गए। नाउ यू कैन शेयर फाइल, अब आप अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं, फोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं, और बाकी जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के, जैसे कि प्रिंटर, वन कंप्यूटर अटैच वन कंप्यूटर टू अनदर, इन सबको आप शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को, या फिर अदर जो रिसोर्सेस है उनको आप शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर के साथ जो आपसे कनेक्टेड है। दीज यूजुअल रिसोर्सेस रेफर टू एज ए लोकल रिसोर्स, और ये जो यूजुअल रिसोर्सेस है इनको हम क्या कहते हैं, लोकल रिसोर्सेस कहते हैं। नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैन मैन एंड वैन, और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो नेटवर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा गया है, लैन मैन और वैन के तहत, ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर का कनेक्शन होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं और वो किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। वायर में भी अलग अलग तरह के वायर आते हैं, कॉपर, फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। तीन तरीके से जो नेटवर्क है उनमें है नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं हम नेटवर्क कंपोनेंट के लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक नेटवर्क में, यानी एक नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। टू एस्टेब्लिश वायर्ड नेटवर्किंग इन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वी रिक्वायर द फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं वो भी वायर्ड के थ्रू, यानी कि किसी न किसी वायर के थ्रू, तो आप क्या, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको आवश्यकता होती है। पहला है नेटवर्क कार्ड, पहला क्या है, नेटवर्क कार्ड। ए नेटवर्क कार्ड इज यूज टू फिजिकली अटैच ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क कार्ड जो होता है ना उसको फिजिकली अटैच यूज किया जाता है किसी भी कंप्यूटर से फिजिकली जुड़ने के लिए, सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिससे वो क्या होता है उस कम्युनिकेशन में, नेटवर्क कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इथरनेट नेटवर्क कार्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क कार्ड, और सबसे जो कॉमन है वो इथरनेट है, ठीक है ना। इथरनेट नेटवर्क कार्ड जो है वो सबसे कॉमन नेटवर्क कार्ड है जिसका यूज किया जाता है नेटवर्किंग के लिए, वायर्ड नेटवर्किंग के लिए स्पेशली। डिड यू नो, डू यू नो को पढ़ते हैं, इसमें क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग अलाउ नेटवर्क्स टू डेवलप विदाउट केबलिंग, यानी कि वायरलेस क्या होता है, वायरलेस एक ऐसा टेक्निक है नेटवर्किंग का जिसके अंदर कोई भी वायर को यूज नहीं किया जाता है, यानी बिना किसी केबलिंग के वो काम होता है। स्पेस से सच एज आउटडोर एरिया वेयर केबल्स कैन नॉट बी पुट कैन है वायरलेस नेटवर्क, यानी कि वैसे एरिया जहां पे वायर को यूज नहीं किया जा सकता है वहां पे हम वायरलेस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।